मद निषेध अधिनियम के तहत उत्पाद और पुलिस द्वारा जो जब्त वाहन थे उनका राजसात हुआ है, तो उसमें से 113 वाहनों की नीलामी 28 तारीख को निर्धारित है गोपालगंज जिले में। सभा कक्ष में ये नीलामी की जाएगी, जो भी इच्छुक लोग हैं वो इसमें भाग लेके और नीलामी ले सकते हैं। उत्पाद विभाग के द्वारा एक बार फिर से जब्त की गई गाड़ियों की नीलामी की जा रही है, और पिछली बार करीब 53 गाड़ियों की नीलामी हुई थी और इस बार 113 गाड़ियों की नीलामी होनी है। अभी हम खड़े हैं कुचायकोट के बलसरी चेकपोस्ट के पास, और यहाँ पर उत्पाद विभाग के द्वारा वैसी गाड़ियों जब्त की गई है जिन गाड़ियों से शराब की तस्करी होती थी या जिन गाड़ियों में बैठकर शराब पार्टी होती थी। और ये सब जितनी भी गाड़ियाँ हैं बिहार राज्य जो उत्पाद अधिनियम है उसके तहत इसकी नीलामी होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन गाड़ियों में कई लग्जरी गाड़ियाँ भी शामिल हैं जिसकी कीमत काफ़ी कम है। तो उत्पाद विभाग के द्वारा एक बार फिर आपको मौका दिया जा रहा है कि अगर मैं पिछली बार नीलामी की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए होंगे, तो फिर आप देखें कि यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो जिस कंडीशन में हैं और जैसे हैं उसी हालत में आपको नीलामी के तहत अगर वो गाड़ी मिलती है तो आपको मिलेगी। देखिए यहाँ पर महिंद्रा की ट्यूबी गाड़ी है, उसके अलावा स्कॉर्पियो है, हुंडई के एक्सेंट है, सेंट्रो है, और स्विफ्ट गाड़ियाँ नई नई गाड़ियाँ बिल्कुल जो है जो शोरूम से निकलने के बाद ही उस गाड़ियों में शराब तस्करी हुई थी और गाड़ियों को जो है यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, कई गाड़ियाँ देखेंगे यहाँ पर स्विफ्ट की नई गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर हम बता रहे थे आपको कि अगर आप जो है उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त की गई गाड़ियों को लेना चाहते हैं तो इन गाड़ियों को लेने के लिए आपको उत्पाद विभाग के कार्यालय में आना पड़ेगा, और यहाँ पर जिन गाड़ियों की जो कीमत लगाई गई है उस कीमत की 10% यानी कि 10% जो राशि है वो आपको जमा करना पड़ता है और फॉर्म के साथ साथ, और उसके बाद फिर जो है आप नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेंगे। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद इसकी बोली बोली जाएगी, और उत्पाद विभाग के द्वारा एक बार फिर मौका दिया जा रहा है कि आप चाहें तो इन गाड़ियों को ले सकते हैं, और इन गाड़ियों को लेने के लिए आप नीलामी की प्रक्रिया में भाग भी लेंगे, और 28 दिसंबर को यह नीलामी होनी है जो कि जिला संभालने में होगी। मुकेश कुमार, नवभारत टाइम्स, गोपालगंज।